आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। शायद पहली बार आपने ये चीज़ देखी हो। ये देखें, उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में दुनिया का वाहिद कुरानी मुसहफ जो दीवारों में कुंदा है। अब देखें ये कमरा, और इस कमरे के अंदर कुरान मुकद्दस लिखा हुआ इसकी दीवारों पर देखें आप। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके हुरूफ और ये कुंदा किया हुआ देखें आप किस अंदाज़ से लिखा हुआ है दीवारों के अंदर। और ख़ुशी की बात तो ये है कि 30 पारों के लिए 30 अलग अलग कमरे। सुभान अल्लाह, यानी एक कमरे में एक पारा लिखा हुआ है दीवारों पर, दूसरे कमरे में दूसरा पारा, इस तरीके से 30 कमरे में 30 पारे लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, यह उनके मुंह पर तमाचा है जो कुरान मुकद्दस को मिटाने की कोशिश में लगे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कुरान को जला देंगे या आयत को रिमूव कर देंगे तो कुरान मिट जाएगा। हजरत, ये कुरान सुबह क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने उतारा ही ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। कुरान को कितनी भी कोशिश की जाए मिटाने की, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। हे कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला।